हेलो गाइस, घर की किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मेथी वाली टिक्की। गाइस बहुत अच्छी लगती है ये, एकदम बढ़िया कुरकुरी करारी। मैं ले लिया इसके लिए फ्रेश फ्रेश मेथी। मेथी एकदम बिल्कुल बढ़िया, हमारे गार्डन की ताज़ी ताज़ी हम तोड़ के लाए थे, और इसका हमने धो के पहले से ही रख लिया था। इसका पानी अच्छे से निकल गया है, अब इसको हम काट लेते हैं एकदम बढ़िया से। बारीक बारीक इसको चॉप कर लेते हैं। प्याज हमने पहले से ही काट के रख लिए हैं गाइस, इसमें एक दो प्याज भी डालेंगे जो कि थोड़ा और बढ़िया टेस्ट हो जाए इसका, प्याज का भी इसके अंदर। और मेथी हमने काट ली है, अब इसमें डाल देते हैं प्याज, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा भी। गाइज आपको पसंद हो तो डालें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। अब इसके लिए ले लिया हमने धनिया, खूब सारा हमने साबुत धनिया लिया है, थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा जीरा। हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि हम बेसन की टिक्की बना रहे हैं। और थोड़ा सा लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट भी डाला है। और डाल रहे हैं हमने गर्म मसाला, नमक डाला है हमने स्वाद अनुसार, और इसमें डाल दिया हमने 3 चम्मच भर के चावल का आटा। और उसके बाद डाल रहे हैं हम इसमें 3-4 चम्मच ही हमने बेसन के डाले हैं। गाइस आपको मेथी के हिसाब से जितना आप से लगेगा उतना आप डाल सकते हैं। उधर गैस पे चढ़ा दिया है तेल पैन में, ने इसलिए पैन में डाला है, कढ़ाई नहीं रखी क्योंकि हमारी टिक्की जो है चपटी होगी ना, एकदम बढ़िया से तली जाएगी। और गाइस हमारा मेथी का आटा लग के तैयार हो गया है, इसके हम बनाएंगे बिल्कुल, इसको गोल गोल करके शेप दे देंगे इसको टिक्की की। और बढ़िया से इसको तेल में डाल देते हैं धीरे से ज़्यादा। गाइज आप अपना हाथ बचा के, क्योंकि तेल बहुत गर्म हो रखा है, ऐसे टिक्की को हम पलट के दूसरी तरफ से भी थोड़ा सा सेक लेते हैं। अब इसको हल्का फ्राई करके निकाल लेंगे क्योंकि हम अपनी टिक्की को फिर से डबल फ्राई करेंगे। इसको थोड़ी सी चपटी करके अंदर से, क्योंकि हमारी टिक्की अंदर से कच्ची ना रहे। लो गाइस टिक्की बन के तैयार हो गई है। अब इनको हम थोड़ा सा दबा के एकदम चपटा कर लेते हैं, क्योंकि बढ़िया से हमारी टिक्की बन पक जाएगी और खाने में बहुत बढ़िया कुरकुरा टेस्ट आएगा। जो हमने चावल का आटा डाला है ना गाइस, उससे बहुत अच्छा कुरकुरा टेस्ट आता है, खाने में बहुत अच्छी लगती है। गाइस हमारी टिक्की बन के बिल्कुल तैयार हो गई है, आप भी बनाइए, खाइए और इंजॉय करिए। तो आप जब मर्जी बना सकते हैं, बहुत जल्दी बन जाती है। तो हमने प्लेट भी लगा दे रहे हैं, देखना गाइस टिक्की बहुत अच्छी बनी है, आप भी बना के देखना। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमें लाइक कर देना, एक लाइक से हमारा बहुत मोटिवेशन होता है। गाइस जरूर से करना, आप भी बनाइए, खाइए और एंजॉय करिए। थैंक यू।